ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इफ़ यू आर न्यू देन माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बताए थे ना, अभी उसमें क्या डाउट है पूछो। यू कैन आस्क योर डाउट, क्या डाउट है वो पूछो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सी बताए थे डिटेल में, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। शिवम को क्या डाउट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में? मतलब टर्म का मीनिंग समझना है, उसमें बहुत कुछ है, डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होती है। प्लीज समराइज। ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ ये ग्रुप में जो आए हो आप, तो यहाँ पे डेली 2:30 PM को लेक्चर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। बट उससे पहले शिवम का एक डाउट है वो पढ़ लेते हैं। क्या है शिवम का डाउट? शिवम क्या पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? तो चलो थोड़ा सी ना ये जो वर्ड है इसको अलग अलग करके देखते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में आप एक्सीलरेशन पढ़ते हो ना, एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी चेंज होती है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो जो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लिखते हैं जी से, दैट इज 9.8 m/s². इसका मतलब क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे और मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ, तो इस पे कोई फोर्स एक्ट हो रही है क्या? चलो शिवम जल्दी से, इस पे एक फोर्स एक्ट होती है जो इसको डाउनवर्ड में पुल करेगी, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये जब ऊपर जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी ये पता है क्या? 1 सेकंड में 9.8 m/s, इतनी स्पीड चेंज होगी हर सेकंड में। मतलब अगर अभी उसकी वेलोसिटी है 98 m/s, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 से कम हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 से, फिर 1 सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है। तो ज़ीरो होने इसको कितना लगेगा? 10 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, अब ये नीचे आने वाला है, तो अब जब नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब मोशन देखो फोर्स की डायरेक्शन में है, फोर्स भी डाउनवर्ड में, वो भी नीचे, तो अब इसकी स्पीड क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। और कितनी इंक्रीज होगी ये पता है क्या? कितनी इंक्रीज होगी? हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 से। तो क्या हुआ? स्पीड चेंज हुई। स्पीड चेंज हुई मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी, यही से हम इसको पूरा बोलते हैं। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में ग्रेविटी की वजह से। गेटिंग इट? गुड आफ्टरनून पीयूष। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, किसकी वजह से हुई? ग्रेविटी की वजह से हुई। समझ में आया अभी शिवम को? फॉर्मूला दिया? अरे बाप रे, फॉर्मूले का तो डेरिवेशन भी कर चुके हैं। अर्थ की सरफेस पे जो वेलोसिटी g/m/r² लिखते हैं, हाइट h पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? g × -2h/r।
डेप्थ में जाओगे अर्थ की सरफेस से, जी वन माइनस डी बाय आर, ये एट हाइट एच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, एट डेप्थ डी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आया। डेरिवेशन कर चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ये बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, अभी फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, अभी आगे का भी पोर्शन कंप्लीट करना है अपने को, जल्दी जल्दी 11 खत्म करके 12 पढ़ना है ना। ये अर्थ के सरफेस पे है, ऑन अर्थ सरफेस, सरफेस पे जी का फॉर्मूला ये है, ये 9.8। हाँ क्या था डाउट्स पवन का, पवन का डाउट क्या था, कुछ पूछे थे तुम में से? हाँ 10 मिनट नहीं लगेगा बेटा, उसको मैं 1 घंटे में एक्सप्लेन किया हूँ, तुम 1 घंटे वाला रिकॉर्डेड वीडियो देखो ना, किया तो हूँ मैं शिवम, रिकॉर्डेड वीडियो है यहाँ पे, ये ग्रुप में आप जाओगे रिकॉर्डेड वीडियो है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के रिकॉर्डेड वीडियो देखो, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर कुछ डाउट रहेगा तो पूछना, पहले एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है शिवम को क्या बोल रहा हूँ? हाँ एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखो, मिलेंगे आपको सब यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो, इससे पहले का सब वीडियोस ग्रेविटेशन का ही है। हाँ तो फिर टाइम तो लगेगा ना बेटा, टाइम लगेगा, फिजिक्स ऐसे 10 मिनट में सिखाने का रहता तो फिर अपन 1-1 घंटे का लेक्चर क्यों रखते, फिजिक्स 10 मिनट में नहीं सिखा सकते ना, फिजिक्स अगर 10 मिनट में सीखने वाली चीज़ रहती तो फिर मैं, इतना टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर सीखना है तो फिर टाइम निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ शिव, ये पवन का डाउट क्या था, कुछ तो डाउट था, एक बार फोटो भेज सकते हो क्या? रुको मैं देखता हूँ, मेरे को भेजे थे तुम, मैं देख लेता हूँ क्या है। पवन का डाउट कैलकुलेशन में था, उसको क्या कैलकुलेट करना है, पवन को 40.02 इंटू 10^2, 10 की पावर क्या है, 7 है, डिवाइडेड बाय 7, इसका रूट निकालना है ना। टेस्ट के क्वेश्चन तो नहीं दिखा सकते यहाँ पे अभी, तुम जिसका डाउट रहता है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, चैट सेक्शन में पोस्ट कर दो, वो फोटो को मैं स्क्रीन पे लेके तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा, समझ में आ रहे है बात शिवम? डाउट है जहाँ पे भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके ये चैट सेक्शन में पोस्ट कर दो, ग्रुप पे पोस्ट कर दो, फिर मैं उसको सामने स्क्रीन पे लेके समझा दूंगा। अभी पवन को क्या डाउट है देखो, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 की पावर का मसला है, तो जब भी याद रखना है 10 की कोई भी पावर रहे ना और वो रूट में रहे, रूट का मतलब होता है पावर हाफ है, पावर हाफ है तो ये एन और ये हाफ क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब ये 10 की पावर n/2 होने वाली है, तो जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए रहेगा होल नंबर, मतलब मेरे को 1 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे को 3.5 मिले पावर, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, इवन नंबर में कन्वर्ट द पावर ऑफ 10 इन इवन नंबर, 10 की पावर को क्या करना है, इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, अभी 7 है, ऑड है, तो इसको इवन में करने के लिए क्या करना,
हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? आर यू गेटिंग? तो ये 10 की पावर जो 7 है ना, 7 रहेगी, 10 की पावर 3 रहेगी, 10 की पावर 5 रहेगी, 10 की पावर 7 रहेगी, 10 की पावर 9 रहेगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा इवन नंबर में। तो 10 की पावर 7 को मैं कैसा लिख सकता हूँ? 10^6 × 10^1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? पावर का फिर से एडिशन होने वाला है, 10^6 + 1 होने वाली है। तो मैं 6 को अलग कर लेता हूँ और 1 को अलग कर लेता हूँ, और ये नीचे 7 जो है वो वैसे। अब रूट जब इवन का नंबर का लिखूँगा तो 10^6/2 मतलब 10^3, तो ये 6 बाहर आके 10^3 बन जाएगा। 40 × 10 कितना हो गया? 400 हो गया। 400/7 मिला और बाहर क्या आया? 10^3। 400 का रूट क्या होता है? 400 का रूट क्या होता है? देखो ये अब 400/7 ये रूट में बचा है, 10^3 बाहर आ गए। या तो आप पहले डिवाइड कर लो, या तो 400 का रूट होता है 20/7। रूट 7 पता होना चाहिए, ये आप लॉग बुक से कर सकते हो इजीली। किससे करोगे आप ये? लॉग बुक से। लॉग बुक यूज करना सीखो, यूज लॉग बुक। समझा? भी ग्राफ बुक में है, ग्राफ बुक में दो ही चीज होती है, एक लॉग होता है लॉगरिथम और एक एंटी लॉगरिथम होता है। इसके लिए हमको क्या, रूट, स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा। 20/2.64, 5/7 × 10^3 ये डिवीजन कर लोगे आंसर आ जाएगा, जो भी आप आंसर निकाल रहे थे। समझा? ये गॉट इट? चलो स्टार्ट करने का ना न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर, न्यू चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत बड़ी हिस्ट्री है वो पढ़ने वाले हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो रेस्ट में है या जो स्टेशनरी स्टेट में है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक। फिर इसके बाद ना हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। फिर इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। डायनामिक का मतलब हो गया मोशन। तो फिर चार्जेस क्या होने लगे? मूव होने लगे। मोशन में जब आ जाता है चार्ज, जब चार्ज मोशन में होता है, तो फिर क्या होगा? करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिज्म होगा, फिर मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो ये बहुत अलग अलग डायनामिक्स वाला बाद में है, पहले हम स्टैटिक वाला पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो से यहाँ पे रिफर किया है इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में। तो अगर एक चार्ज है रेस्ट में, तो अपने अराउंड क्या करेगा? फील्ड डेवलप करेगा। फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये सब पढ़ने वाले हम ये चैप्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सब हम चीज यहाँ पे ये चैप्टर में आज सीखने वाले हैं, बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से सबसे पहले तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं। चार्जेस क्या है, व्हाट आर चार्जेस, या अगर स्पेसिफिकली लिखूं मैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या। तो ये जो चार्ज होता है इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इंट्रेंसिक का मतलब क्या है, इसके अंदर नहीं जा सकते, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम बोलते हैं मास, मास पढ़े हो क्या, है ना। मास किससे मिलके बना है तो ये हम नहीं बता सकते, ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो ऐसे ही चार्जेस भी जो होते हैं वो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, एकदम बेसिक रहेगा। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट ऑफ मैटर ना, कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो, तो बहुत बेसिक है। क्या होता है, कैसा होता है, इससे ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, यही से हम चार्जेस को ही बोलते हैं बहुत बेसिक। कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, हाँ दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, राइट। हमको ये भी पता है चार्ज होता है, और इसका ना कुछ अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉडी। बॉडी के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा या निगेटिव चार्ज रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ द बॉडी। फिर क्या होगा, जब हम ये दोनों बॉडी को एक दूसरे से रब करेंगे, रब करने का मतलब होता है रगड़ना, है ना, रगड़ने से क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये समझ में आ रहा है, अच्छा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। ऐसे ही निगेटिव और निगेटिव है तो ये दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन। बट अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव है तो क्या होने वाला है, अट्रैक्शन, है ना। तो हम क्या लिखते हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, एक जैसे चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बेसिक चीज आज पढ़ने वाले हैं, आज मैं तुमको एकदम बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। चार्जेस को डिनोट कैसे करते हैं, चार्जेस को हम कैपिटल क्यू से भी डिनोट करेंगे या स्मॉल क्यू से भी। चार्जेस को डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, एम्पियर करंट का है बेटा। चार्जेस का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। समझ में आ रहा है,
चार्जेस को क्यू से डिनोट करने वाले, कैपिटल क्यू भी स्मॉल क्यू भी। चार्जेस का यूनिट क्या होता है? कूलम। अब बहुत सारी ना टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री दी है, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो अभी तुम लोग बोर हो जाओगे, बट हमको ये याद रखना है, व्हेन टू बॉडीज रब विथ ईच अदर देन चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो चार्जेस क्या होंगे? यहाँ पे ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है, इसको मैं रब किया निगेटिव निगेटिव वाले से, तो क्या होगा? चार्जेस ट्रांसफर होने वाले है। समझ में आ रही है? व्हेन टू बॉडीज रब्ड विथ ईच अदर चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम वन। अच्छा, ये कांटेक्ट में आ गए ना, जब रब करोगे तो ये दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है क्या? विदाउट कांटेक्ट भी हम चार्जेस को मूव कर सकते हैं, पता है? ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। यहां पे मैं क्या किया, ये निगेटिव चार्ज है इस पे और ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल है नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस के। समझ में आ रहे हैं? मतलब पॉजिटिव भी है निगेटिव। फिर ये देखो, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, निगेटिव निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्जेस रहेंगे वो सबको क्या करेगा? रिपेल करने वाला है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। अब जब निगेटिव यहाँ पे मूव हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो जब एक बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसको मैं दूसरी बॉडी के पास लेके गया, तो जो नियर एंड था सेकंड बॉडी का उस पे अपोजिट चार्ज आ गए, और जो फार्दर एंड है उस पे सेम चार्ज आ गए। समझ में आ रहा है? एक बॉडी थी निगेटिव चार्ज, उसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गया, तो ये निगेटिव वाली निगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दियो, वो धक्का दे दियो वो साइड वो डायरेक्शन में, वो एंड पे चले गए। तो जब निगेटिव यहाँ से मूव हो गए तो यहाँ पे बचेंगे क्या? यहाँ पे पॉजिटिव बचेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज बॉडी को जब दूसरी बॉडी के पास लाते हैं तो जो नियर एंड रहेगा सेकंड बॉडी का, सेकंड बॉडी का जो नियर एंड रहेगा उस पे कैसे आ गए? कौन से चार्ज आए ये वाली बॉडी पे? ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड, सेकंड पे कौन से चार्ज आए? नियर एंड वाले। नियर एंड पे कौन से चार्जेस आ गए? पॉजिटिव। फार एंड पे जो दूर वाला एंड है उस पे कौन से चार्ज आ गए? निगेटिव, है ना? तो ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है? इंड्यूस होना। इंड्यूस्ड होना मतलब वहां पे आ जाना या डेवलप हो, डेवलप तो नहीं बोलेंगे बट वहां पे आ गए। यहाँ पे इंड्यूस हुए क्या? पहले न्यूट्रल था बट जब मैं इसको लाया तो ये निगेटिव को ढकेल दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे निगेटिव आ गए, तो इसको हम हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जैसा। वेरी गुड, यही से तो इसका नाम इंडक्शन है। इंडक्शन वर्ड का मतलब ही यही होता है कि चार्जेस नहीं थे मगर हम ले आए, हम चार्जेस इंड्यूस कर लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जैसा हम चार्जेस को क्या किए? इंड्यूस कर लिए।
चलो अब आगे पढ़ते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर अलग अलग बॉडी में, बहुत सारी बॉडी में होता है। इंसुलेटर अभी पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब पढ़ने वाले हम, कहाँ पे होता है। कंडक्टर में भी होता है, कंडक्टर मतलब हाईली निगेटिवली चार्ज होता है। कंडक्टर में निगेटिव चार्ज बहुत होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत है, हाँ होगा, इंसुलेटर में भी होगा, कंडक्टर में भी होगा। देखो कॉम देखे हो क्या, कॉम, कॉम बोले तो कंघई। कंघई को कभी अपने सर पे रगड़े हो, कॉम प्लास्टिक की बनी है, उसको कभी अपने सर पे रगड़े हो क्या? हाँ करते थे रब। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो चार्जेस है वो यहाँ पे मूव हो गए, चार्जेस ट्रांसफर होते थे। और फिर कॉम क्या करता था, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता था, स्केल से भी होता है। हाँ तो वो कंडक्टर है क्या आपके हाथ में, जो स्केल आप लिए वो कंडक्टर है क्या? नहीं, बट उसमें भी चार्जेस है, उसके भी एक सरफेस से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हुए, हेयर से यहाँ पे ट्रांसफर हुए, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। तो चार्जेस कोई भी बॉडी में हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? वो डिपेंड नहीं करता कि किस में रहेगा, एक कंडक्टर में ही होगा क्या, इंसुलेटर में, इंसुलेटर में भी चार्जेस होते हैं, कंडक्टर में भी होते हैं, हर बॉडी में चार्जेस होते हैं मैक्सिमम, समझ रहे हो? अब जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू फिक्स है। चार्जेस की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसा कि हमारे पास सबसे बेसिक पार्टिकल हम बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन। पहले हम क्या बोल रहे थे कि एटम्स, एटम्स क्या है, सबसे छोटे स्मॉल पार्टिकल है। एटम्स किससे बना है ये नहीं पता था हमको, हम बोलते थे सबसे छोटा एटम है। फिर एटम्स में भी क्या मिले, प्रोटॉन मिले और इलेक्ट्रॉन मिले। फिर इलेक्ट्रॉन को हम बोले बेसिक है, फिर उसके बाद भी बहुत सारे पार्टिकल्स मिले, बट हाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिले ना, एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो एटम्स में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अलग कर लिए, क्या कर लिए, अलग कर लिए। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वैल्यू क्या रहती है, फिक्स होगी, समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट बेसिक पार्टिकल, उस पे चार्ज क्या होगा। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये बॉडी है, गिवन बॉडी, इस पे टोटल चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूँगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन की जगह क्या आने वाला है, इंटीजर आने वाला है। एन की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, एंड सो ऑन। गेटिंग इट, ये समझ में आ रहे क्या? कितने चार्जेस है, टोटल चार्ज, क्यू क्या है, टोटल चार्ज, Q इज टोटल
अमाउंट ऑफ चार्ज, एन इज नंबर या इंटीजर लिख सकते हो, इंटीजर। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू फिक्स है। हाँ यस यस यही है। अरे ये है नहीं अभी, क्या होता है वो जाने दो एक्सपेरिमेंट। 10^-19 कूलम, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह ना थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड रहता है और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, वो पढ़ के कुछ फायदा है नहीं। अपन ये पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ देखते हैं ना आगे और इंटरेस्टिंग आने वाला है। देखो अब ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है। जब मैं ये दोनों को रब किया तो चार्जेस क्या हुए, ट्रांसफर होंगे क्या? जो भी चार्जेस ट्रांसफर होंगे ना, वो कितने चार्जेस ट्रांसफर होंगे, एन इंटू ई। मतलब एन की जगह पे 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5 लैक्स हो सकता है, एनी नंबर, बट होल नंबर। यहाँ पे ना 1.7 नहीं आने वाला है, एन की वैल्यू 1.3 भी नहीं आएगी, एन की वैल्यू 21.4 भी नहीं आएगी। समझ रहे हो, एन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा ई का, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, 1 होगा होल नंबर जैसा बोलते हो, समझ रहे हो। तो अब मेरे को देखना है, मेरे पास जो टोटल चार्ज है, हाँ बता रहे हैं, टोटल चार्ज मेरे पास है 8×10^18 कूलम। तो मैं क्वेश्चन में क्या लिखता हूँ, कैन दिस अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। गेटिंग इट? अब मैं ना तुमको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। चार्जेस हमेशा मल्टीप्लीकेशन में, एन के साथ मल्टी, और एन क्या मिलने वाला है तुमको, होल नंबर। 1 मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा, 4000 मिलेगा, कोई भी नंबर होगा। समझ में आ रहा है, एन कभी भी 1.3 नहीं होगा, एन की वैल्यू कभी भी 1.5 नहीं होगी। तो अगर ये अमाउंट है चार्जेस के, तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या दूसरी बॉडी में, ये पूछा है। तो हमको देखना है एन की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसा आ रही है क्या, कि एन की वैल्यू 1.3, 2.1, 7.3 ऐसा आ रही है। अगर ऐसे वैल्यू आ गई तो नहीं ट्रांसफर होंगे, और अगर ऐसी वैल्यू आई तो ट्रांसफर होंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, ये पूछा है। हमको क्या बोलना है, हमको ये लिखना है कि बॉडी ए है, बॉडी बी है, बॉडी ए में से मैं इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या। चार्जेस, दिस अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। समझ रहे हो, कुछ भी वैल्यू नहीं ट्रांसफर होती चार्ज की, चार्ज की एक फिक्स वैल्यू ट्रांसफर होगी। ये समझ में आ रहा है, चार्ज की एक फिक्स वैल्यू ट्रांसफर होगी। वो फिक्स वैल्यू क्या है, एन की जगह आपके पास 1, 2, 3। चलो मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। क्यू का फॉर्मूला है एन ई, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना है, ई की वैल्यू पता है मेरे को, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे को। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू। अगर एन की वैल्यू 1.3 मिली तो नहीं होगा,
अगर एन की वैल्यू 1, 2, 3 मिली तो होगा, तो क्यू टोटल चार्ज ये है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई की वैल्यू है, तो देखो क्यू कितना है 8 × 10⁻¹⁸, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और क्यू का फॉर्मूला कितना है एन ई, तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाय ई हो जाएगा, ये ई यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 8 × 10⁻¹⁸ अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹। अच्छा इसको -18 ले लेते हैं, इसको -18 ले लेते हैं। चलो तुमको समझाना है तो यही समय वैल्यू थोड़ी सी चेंज करो, -18। 1.6 के टेबल में फिफ्थ प्लेस पे 8 आता है, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +18 - 19 क्या आ जाएगा 10, हाँ 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50, एन की वैल्यू 50 आई, तो यस ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। और अगर एन की वैल्यू 50/3 आ जाती तो हम बोलते थे ये चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे। समझ में आ रहे, अगर 59.5 आ जाता तो हम बोलेंगे चार्जेस ट्रांसफर नहीं होंगे, ये फिक्स वैल्यू है, इसका 10 टाइम्स हो सकता है, इसका 5 टाइम्स हो सकता है, इसका 50 टाइम्स हो सकता है, इसका 500, बट इसका 11.3 टाइम्स नहीं हो सकता, बिकॉज ये सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे मिनिमम वैल्यू है, इससे भी मिनिमम होती है बट वो स्टेबल नहीं होती, इंडिपेंडेंट वैल्यू इतनी है। इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स यही टाइम्स में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। गेटिंग इट, सपोज हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹, प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो कितना हो गया टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हो गया 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। हाँ निगेटिव भी आएगा, निगेटिव आ सकता है बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव प्रोटॉन का पॉजिटिव दोनों को ऐड करोगे तो जीरो भी आ जाएगा, यही से तो हम बोलते हैं एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स क्या होते हैं न्यूट्रल, 36 × 2 × 1.6 = 3.2 आएगा। समझ गया, ये कूलम टोटल ऐड, मत हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, समझ में आ रही है बात, तो जब निगेटिव और पॉजिटिव ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जीरो। अब देखो, अब ये एक बॉडी है, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ये पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, न्यूट्रल मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं निगेटिव चार्जेस उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी है, मैं निगेटिव चार्ज निकाल लिया मतलब मैं -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा +1.6 × 10⁻¹⁹, मैं दो इलेक्ट्रॉन को निकाला तो मैं निकाला कितना -3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम निकाला,
और यहाँ पे बचा कितना, +3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। समझ में आ रहा है ना ये? इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करने का थोड़ा सी टफ है, एक लेवल ऊपर जाते हैं। अभी इतना बेसिक चीज अपने को समझ में आ गई। अब पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ना एक न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सी लेवल बढ़ाना है ना अभी। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी, 5 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम। आइसोलेटेड है, ये पूरा एक सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब बाहर से चार्ज अंदर नहीं आ रहे हैं, अंदर के चार्ज बाहर नहीं जा रहे हैं। फिर मैं क्या किया, ये डब्बा लिए थे, ये डब्बे को पकड़ के खूब हिला दिए, हिला दिए तो ये तीनों बॉडीज में कोलिजन हुआ। मैं पकड़ के क्या किया, डब्बे को हिला दिया, तीनों बॉडीज में कोलिजन हुआ। इनिशियली यहाँ पे Q1 था, प्लस Q2 था, प्लस Q3 था। बाद में यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम 5 कूलम था, अभी यहाँ पे बचा 3 कूलम। यहाँ पे 3 कूलम था, यहाँ पे बचा 7 कूलम। यहाँ पे -2 था, तो यहां पे कितना बचेगा, समझ रहे हो? तो मैं बोलूंगा सिस्टम में पहले जितना चार्ज था ना, बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। पहले वाली बॉडी में कितना था, 5, दूसरे वाली में कितना था, 3, तीसरे वाली में कितना था, -2, पहले वाले में कितना बचा हिलाने के बाद, 3, यहां पे 7, यहां पे इसको मैं क्यू बोलता हूँ, क्यू की वैल्यू ये कितना हो गया, 10। ये 8 - 2 कितना हो गया, 8 - 2 6। तो 10 + Q = 6, तो Q = 6 - 10, तो कितना बचा, माइनस। तो ये बॉडी पे कितना चार्जेस रहेगा, -4 कूलम। इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज कंजर्व होता है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व और कॉन्स्टेंट। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड चार्ज नॉर बी डिस्ट्रॉय। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे ना, या कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। चार्जेस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आप नया चार्ज जनरेट नहीं, क्रिएट नहीं कर सकते, या आप एक चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम चार्ज को बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ये समझ रहे हो क्या? आइसोलेटेड है, हाँ। तो ये सिस्टम को आप कितना भी पकड़ के हिला दो, ऊपर नीचे करो, 10 दिन बाद देखो, 15 दिन बाद देखो कि यहाँ पे एक चार्ज नया आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये समझ रहे, समझा क्या? वही सोच रहा हूँ अभी क्या दूँ। टोटल चार्जेस मतलब क्यू है, टोटल चार्जेस कितना है, क्यू। मेरे को टोटल चार्ज रिमूव करना है एक बॉडी से, कितने चार्जेस रिमूव करना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 32 × 10⁻²− 15 कूलम।
एक बॉडी से मेरे को इतना चार्ज रिमूव करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू रिमूव? समझ में आ रहा है? या अगर इतने चार्जेस है तो ये कितने? हाउ मैनी का मतलब है एन की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है? एन की। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेंगे? तो क्यू का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू ई। ई की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻¹⁹। देखो क्या आता है, सॉल्व करके बताओ। अरे वाह, सुरेश का आ भी गया। मैं सोचा तुम लोग काम दे के मैं पानी पी लेता हूँ। रुको एक मिनट, बाकी लोग भी सॉल्व करो। समझ रहे, मेरी आवाज़ आती है? मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, ऐसा है क्या? लाउड एंड क्लियर ना। एन की वैल्यू क्यू अपॉन ई। क्यू है 32 × 10⁻¹⁵। ई है 1.6 × 10⁻¹⁹। −19 आ गया, +19। तो ये सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 10⁴, 1.6 × 10, तो ये 20 आता ना। 25 कैसे आएगा? 20 × 10⁴, 20 लैक्स इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इतना चार्ज मिलेगा। 20 लैक्स इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। गेटिंग इट? चलो, क्यू है 1 कूलम। 1 कूलम मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये बताओ, अरे ब्रेकआउट ही तो ले रहा हूं मैं, बताओ जल्दी से एन की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज योर ब्रेकआउट। चैट में जो जो सबसे पहले आंसर लिखा उसको मैं पॉइंट सबसे ज्यादा दूंगा। फर्स्ट जो आंसर किया पक्का करेक्ट आंसर करेक्ट रहना चाहिए तो 500 पॉइंट्स। सेकंड जो आंसर आया करेक्ट 400 पॉइंट। थर्ड वाले को 300। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 1610, रेस्ट टू 18। 16 × 10⁻¹⁸। अच्छा, ये सोयश का आंसर लॉक कर दूं क्या? तो यश कितना बोला? 16 × 10⁻¹⁸। और बाकी ये पवन क्या बोल रहे? पवन बोल रहे सर 6.24 × 10⁻¹⁸। और हाँ, ये लिखा हूँ ना, करेक्ट आंसर लिखा हूँ ना तुम्हारा, पवन का ये। और कोई? सिक्स पॉइंट टू फाइव ये नवाज का आंसर आ गया। 6.25 × 10⁻¹⁺ बोल रहे हो। शिवम का आंसर आया
1.6 × 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁸। अच्छा, नवाज का 10⁻¹⁸ है। चलो इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट करेक्ट। अबे चारों का अलग अलग आया है। वन कूलम मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू है 1, ई क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹, 19 ऊपर गया प्लस हो गया, 1/6 का रेसिप्रोकल देखो, 1/6 का रेसिप्रोकल 6, 0.625 ऐसा आता है क्या? तो आंसर क्या आने वाला है, 0.625 × 10⁻¹⁹। तो इसको आप लोग लिखे हो 6.25 × 10⁻¹⁸। ये आंसर कौन दिया है? पवन 24, नवाज का एग्जैक्ट वही आया है जो मेरा आया है, शिवम। हाँ, अब 6.25 × 10⁻¹⁶, अब शिवम का आया। तो पवन का आंसर को भी चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पवन आ गया फर्स्ट, उसको मिल गए 500 पॉइंट्स, नवाज आ गया सेकंड, उसको मिल गए 400 पॉइंट्स, और शिवम आ गया थर्ड, उसको मिल गए 300 पॉइंट्स। 3000 नहीं है, 300 है। हो गया, समझा? ये समझ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? और बाकी के स्टूडेंट्स, हाँ, नवाज का एग्जैक्ट आ गया, वेरी गुड। पवन का ऊपर नीचे आया, बट उतना कंसिडर कर लेंगे। हाँ, उतना कंसिडर कर लेंगे यार, अपने ही दोस्त है वो, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो दोनों को बराबर दे देता हूँ, बस दोनों फर्स्ट है, दोनों को 500, शिवम को भी 500, पवन, अरे नवाज को भी 500, पवन को भी। शिवम को मिल रहा था 500, शिवम को मिला है 300। एक और क्वेश्चन ब्रेकआउट लू, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन पढ़ोगे? ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस चलो। ओके, ग्रेविटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, तो एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाते हैं हाइट पे, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्या? हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो फिर वो करेक्ट, 67 स्टूडेंट ने सही बोला वो। एज वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ जाओगे तो ये भी तो कंफ्यूज, कैसे कंफ्यूज हो जाते हो भैया? ऐसे ही सब क्वेश्चन रहते हैं एंट्रेंस में घुमा फिरा के। तुमको लगता है बहुत इजी था, समझ गया, हाइट पे जा रहे हो, जी डिक्रीज हो रहा है, डेप्थ में जा रहे हो, जी डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है। 11% देखो तो कौन है ये 11%? तो अनाशिका तिवारी, वेरी गुड। सोयश, दो ही स्टूडेंट का आंसर सही आया है। क्या कर रहे हो? ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे हो? एक और चांस सर। अरे चांस चांस के सब चक्कर में तुम्हारे बहुत पीछे छूट जाओगे। चलो ठीक है, एक और चांस, थोड़ा सी और घुमा फिरा के। क्या है ये ना, एक ही क्वेश्चन रहता है जो एकदम घुमा फिरा के रहता है। हाँ चलो, ये थोड़ा सी इंटरेस्टिंग है, पढ़ो समझो और आंसर दो। चलो 75 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है ये वाला, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी ये ट्रू है क्या?
अभी अपन ना इलेक्ट्रो कल वाले लेक्चर में ना, हाँ कल वाले लेक्चर में फॉर्मूला वगैरह पढ़ने वाले हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसा सुने हो क्या कूलम्स लॉ? हाँ तो कूलम्स लॉ हम कल पढ़ेंगे शायद। कल अपन ना कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो कूलम्स लॉ जब पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला और ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फिर कंपेयर करेंगे। 2 मिनट है और एक क्वेश्चन पूछ लो, यही सेम टाइम। चलो एक न्यूमेरिकल दूं क्या? 2 मिनट का टाइम देता हूँ तुमको, थोड़ा सी न्यूमेरिकल टाइप है, बुक और पेन लगेगी। अच्छा यूनिट में थोड़ा सी गड़बड़ है, चलो 2 मिनट देता हूँ, देखता हूँ कौन सॉल्व कर पाता है। कौन से चैप्टर का ग्रेविटेशन का ही था? चलो वेरी गुड।